फारूक शेख की जीवनी। अभिनय के महारथी थे फारूक शेख। इसके साथ ही वे एक प्रसिद्ध अभिनेता, समाज सेवा और टेलीविजन प्रस्तोता भी थे। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, बाजार, चश्मे बद्दूर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अपनी सादगी से भरे अभिनय से लोगों का दिल जीता। अपनी सादगी से भरे अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 में गुजरात के अमरोली में हुआ था। उनके पिता का नाम मुस्तफा शेख और माता का नाम फरीदा शेख था। उनके पिता मुस्तफा शेख एक जाने माने वकील थे। वे एक जमींदार परिवार से थे और फारूक शेख अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात रूपा जैन से हुई, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी। फारूक और रूपा ने 9 साल तक एक दूसरे से मेल मुलाकातों के बाद शादी का फैसला लिया था। दोनों ही परिवार उनकी दोस्ती से वाकिफ थे और किसी ने विरोध नहीं किया। फारूक शेख ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने यहां के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। फारूक शेख के जीवन पर उनके पिता का गहरा प्रभाव पड़ा, यही कारण था कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। उनका मकसद पिता की विरासत को आगे ले जाना था। मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन वकील बनने के बाद जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि यह पेशा उनके जैसे इंसान के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना था कि ज्यादातर मामलों के फैसले अदालत में नहीं बल्कि पुलिस थानों में तय होते हैं। इसके बाद ही उन्होंने एक्टिंग को तवज्जो देनी शुरू कर दिया। फारूक स्कूली दिनों से न केवल क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि अच्छे क्रिकेटर भी थे। उन दिनों भारत के विख्यात टेस्ट क्रिकेटर वीनू मांकड़ सेंट मैरी स्कूल के 2 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को हर साल कोचिंग देते थे और हर बार उनमें से एक फारूक हुआ करते थे। वकालत से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने एक्टिंग के अपना करियर बनाने की ओर ध्यान देने लगे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म गरम हवा में मुफ्त में काम करने को हामी भरी। इस फिल्म को रमेश सत्यू बना रहे थे और उन्हें ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो बिना फीस लिए तारीखें दे दें। लेकिन बाद में इस फिल्म के लिए फारूक शेख को 750 रुपये मिले, वह भी 5 साल में। फारूक शेख के वकालत छोड़कर फिल्मों में काम करने से उनके माता पिता को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने बेटे के फैसला का विरोध नहीं किया। गरम हवा की रिलीज के बाद फारूक के पास दूसरी फिल्मों के ऑफर आने लगे। विख्यात निर्देशक सत्यजीत रे को उनका काम काफी पसंद आया तो उन्होंने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें एक रोल ऑफर कर दिया। जब सत्यजीत रे ने फोन किया तो फारूक कनाडा में थे। उन्होंने कहा कि मुझे लौटने में 1 महीने का वक्त लगेगा। सत्यजीत रे ने कहा कि वे इंतजार करेंगे। बॉलीवुड में उनकी पहली बड़ी फिल्म गरम हवा थी, जो 1973 में आई थी। फिर उसके बाद महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी की शुरुआती सफलता मिलने के बाद फारूक शेख को आगे भी फिल्में मिलने लगीं, जिसमें 1979 में आई नूरी, 1981 की चश्मे बद्दूर जैसी फिल्में शामिल हैं। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी रही। दर्शक इन्हें फिल्मों में एक साथ देखना चाहते थे। इन दोनों ने एक साथ मिलकर कई फिल्में की। इसमें चश्मे बद्दूर, साथ साथ, कथा, रंग बिरंगी आदि प्रमुख हैं। उनकी आखिरी कुछ फिल्मों में सास बहू और सेंसेक्स, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड और लाहौर जैसी फिल्में रहीं। इन फिल्मों में भी एक बार फिर उनकी परिपक्व छवि दिखी। अभिनेता फारूक शेख ऐसे कलाकारों में शुमार हैं जो बड़े और असाधारण श्रेणी के फिल्मकारों की फिल्मों में एक खास किरदार के लिए पहचाने जाते हैं या फिर उसी खास किरदार के लिए बने हैं। सहज और विनम्र से दिखाई देने वाले फारूक शेख ने अपने समय के चोटी के निर्देशकों के साथ काम किया है। उन्होंने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी, केतन मेहता, सई परांजपे, सागर सरहदी जैसे फिल्मकारों का अपने अभिनय की वजह से दिल जीत लिया। 2010 में फिल्म लाहौर के लिए फारूक शेख को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैश्विक स्तर पर जानकारी प्रदाता इंटरनेट साइट गूगल ने बीते जमाने के शानदार अभिनेता फारूक शेखा के 70वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें अपनी तरफ से अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है।
फारूक शेख को दिल का दौरा पड़ने के कारण शुक्रवार 28 दिसंबर 2013 को इस महान कलाकार की दुबई में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, फारूक जी की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।